ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हो इस वाटर में जैसी लाइट पास करती है तो एक सीधा रास्ता हमें दिखता है लाइट का। ये बिहेवियर है जब लाइट किसी मीडियम से होके जाती है। तो आप देख सकते हो बोतल से बाहर आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और जैसे ही वो वाटर में एंटर करती है, उस मीडियम में एंटर करती है, तो आप देख सकते हो कि लाइट एक वाटर के मॉलिक्यूल से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है जो हमें दिखती है। आप देख सकते हो लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। बट अगर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी सरफेस पे जाके टकराए तो वो कैसा बिहेवियर करती है, तो मैं आपको आज इस डिमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा। बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहला जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं उसको। तो देखिए आज हम ये पढ़ते हैं फिर से लाइट, फिर से देखिए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है बट जब एक एंगल पे वो किसी सरफेस पे टकराएगी तो कैसा बिहेवियर करती है, लेट्स सी। देखिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में, इस डिमोन्स्ट्रेशन में हम देख रहे हैं लाइट कैसा बिहेव करती है जब एक पर्टिकुलर एंगल पे वो सरफेस पे टकराती है। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो जब लाइट एयर से वाटर में आएगी, ये जो स्ट्रेट पाथ है ये लाइट का बिहेवियर है जब एक मीडियम में आती है। एक चीज और कंफर्म करते हैं, लाइट जब भी किसी मीडियम में थ्रू द मीडियम जब ट्रेवल करती है तो वो हमेशा सीधा ही चलती है, बट एक पर्टिकुलर सरफेस पे आके ये रहा बाउंड्री जो जहां पे वो आके टकराती है एक पर्टिकुलर एंगल में। आप देख सकते हो ये नॉर्मल है और ये एक एंगल पे आके टकराई और इसका रास्ता जो था ओरिजिनल वे, ये अपने रास्ते को बदल लेती है। तो ये देखिए इसको बोला जाता है रेयर मीडियम, जैसा आप देख सकते हो रेयर कंडेंसर। और इसको उल्टा करें तो आप अगर वाटर से फिर से वो एयर में जाए तो आप देख सकते हो ये वाला रास्ता, इस रास्ते से गई स्ट्रेट पाथ में और यहाँ वो अपना एंगल चेंज कर लेती है, अपना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव जो वेव कहलाती है वो अपना रास्ता बदल लेती है उसके ओरिजिनल वे से। तो देखिए यहाँ एंगल आई और यहाँ एंगल आर, एंगल आर एंगल आई से कैसा है, छोटा है। और यहां देख सकते हो आप एंगल आई एंगल आर से छोटा है। देखिए ये था बिहेवियर जब वो एयर से टेंशन में आती है। लाइट एक और बिहेवियर शो करती है, वो देखिए इस टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो। जैसे ही मान लो आपका एक पॉइंट वाटर टब में गिर गया, तो वाटर टब में जब आप पॉइंट को देखते हो बिल्कुल ऊपर से तो आप देख सकते हो बिल्कुल वो वहां दिखेगा, पर जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ते जाओगे अपनी पोजीशन चेंज करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा, यहां से आपको पॉइंट बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। कारण क्योंकि लाइट जब इस पॉइंट से जब चलती है इस सरफेस पे आकर टकराई तो वापिस वो उसी रास्ते से उसी मीडियम में चली जाती है। आप देख सकते हो ये एक नया तरह का बिहेवियर है जो लाइट अपने रास्ते को दिखाती है, बिहेवियर शो करती है। इस बिहेवियर का नाम रखा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इसी मीडियम में, इंटरनल मीन्स उसी मीडियम के अंदर इनसाइड, और टोटल जो वर्ड है वो स्पेशली यूज किया गया एनर्जी के लिए, पूरी की पूरी एनर्जी अंदर उसी मीडियम में ही रह जाती है। तो बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए हमारी आईज बनी हुई है, जिसको ये कह सकते हैं कि लाइट का जो सेंसर है वो हमारी आईज है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको ये जो पूरा डिमोन्स्ट्रेशन से दिखाऊंगा ये बिहेवियर लाइट कैसे शो करती है। देखिए आप देख सकते हो ये जब एयर से वाटर में जाएगी तो आप देख सकते हो इसका बिहेवियर, ये एयर से डेंसर मीडियम में लाइट प्रोपेगेट करती है। तो आप देख सकते हो कैसे उसने अपना रास्ता बदल लिया इस वीडियो में देख सकते हो है। और अब देखिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जब वो लाइट डेंसर से रेयर जाती है। अब मैं थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, अब ये लाइट वाटर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो आप देख सकते हो लाइट का बिहेवियर। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, आप देखिए इस वीडियो में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है, ये लाइट बिल्कुल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। एक डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो ही ये इंसिडेंस होता है, अदरवाइज रेयर से डेंसर ये कभी भी नहीं होता। तो आप देख सकते हो लाइट कैसे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, देखिए इस वीडियो में डिमोन्स्ट्रेशन में आपको दिख रहा होगा एक लाइट लेफ्ट से आती है और सरफेस पे टकरा के वापस उसी मीडियम में राइट वे में चली जाती है। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
और हम देख रहे हैं, ये फिर से देखिए, ये है इसका, जब लाइट रेड मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। आप देख सकते हो कैसे वो अपना रास्ता बदल लेती है। अब देखिए एक बार कोशिश करते हैं फिर से, लाइट जब, अब देखिए ये रहा इसका, जब लाइट डेंसर से रेड जाती है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर, आप देख सकते हो कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइट कैसा अपना रास्ता चेंज करती है एक पर्टिकुलर एंगल पे। देखा आपने कैसे इस वीडियो में कैसे अपना लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो जो कंसेप्ट है वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।